हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल फ़ोन से काफ़ी वीडियो शूट हो रहे हैं क्योंकि सब फोन्स के अंदर हाई एंड कैमराज आ गए हैं। स्पेशली आईफोन और ये सैमसंग गैलेक्सी आपका आया है S23, S24, और आईफोन की तो खैर पहले से ही अच्छे थे ही, और वन प्लस तो अब उनसे वीडियोज बन रहे हैं। लोग कैमरा लेना पसंद नहीं करते क्योंकि इस कैमरे से सिर्फ वीडियो बनता है और फ़ोन से सारे काम हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो फ़ोन के अंदर बस एक चीज़ लाकेंगे कि भाई, ये तो उनकी लेंस की लिमिटेशन है कि भाई आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, फिक्स लेंस होती है, और एक उसमें फिल्टर्स का लगाने का ऑप्शन नहीं है। तो फिल्टर्स का सोल्यूशन हम आज हम लेके आए हैं, जिससे आप अपने फ़ोन पे फिल्टर लगा सकते हैं तरह तरह के, और उससे आप आउटडोर में जब शूट करते हैं तो काफ़ी फुटेज एनहांस हो जाएगी। जैसे ये हम न्यूअर कंपनी का लाए हैं फिल्टर पैक, इसमें है एक ND फिल्टर जिससे एक्सपोजर कंट्रोल हो जाएगा, एक CPL है जिसमें रिफ्लेक्शंस कंट्रोल हो जाएंगी, बाकी इसमें कलर फिल्टर्स भी हैं जिससे कलर एनहांस हो जाते हैं, और इसमें एक स्टार फिल्टर भी है। तो एक किट सॉर्ट ऑफ है जो यूनिवर्सल है, हर फोन पे लग जाएगा। इसमें क्लिप भी इंक्लूडेड है, जो क्लिप है वो आपका फिल्टर को फोन पे लगाने की मदद करेगी। केज की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप क्लिप को लगा सकते हो। और इस पे पीछे रबड़ है और यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म है। तो हम ट्रायल के लिए फ़ोन पे ट्राई करते हैं क्योंकि पहली बार मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे भी इसका एक्चुअल तरीका पता नहीं कैसे लगेगा। तो जो मुझे समझ में आ रही है वो यही है कि इसको बस ऐसे क्लिप ऑन करना है और कैमरे को सेंटर कर लेना है। तो ये लग गया, देखो इसको लगा के फिर हमें कैमरा ऑन करना है। अभी कोई फिल्टर नहीं है तो कोई इफेक्ट फुटेज पे नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे इसमें फिल्टर्स हम ऐड करेंगे तो फिल्टर्स का रिजल्ट पता चल जाएगा हमें। आउटडोर में भी चेक कर लेंगे इसका। तो इससे स्क्रीन को कोई दिक्कत नहीं आ रही, स्क्रीन अपनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है और कनेक्ट ही ऐसी जगह पे हो रहा है जिससे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा। रबड़ लगा हुआ है इस पर दोनों साइड रबड़ से, ताकि कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऑटोमेटिक फ़ोन प्रेस नहीं हो रहा, फ़ोन नॉर्मल चल रहा है। यही मेन डाउट रहता है कि भाई इसको लगाने से भी फ़ोन पे दिक्कत ना आए, बाकी स्प्रिंग हार्ड है तो गिरेगा नहीं। तो ये हो गया इसका होल्डर। अब इस पे फिल्टर्स अलग अलग तरीके के दे रखे हैं, उनको चेक कर लेते हैं। ऐसा माउंट करो कि भाई साइलेंस विजिबल हो जाए। एक इसमें लेदर दे रखा है साफ करने के लिए, और ये हैं किट्स पाउच के अंदर। तो मैं आपको फिल्टर बता रहा था, अलग अलग न्यूअर कंपनी का है ये। तीन फिल्टर इसके अंदर हैं और चार फिल्टर इसके अंदर है, तो टोटल 7 फिल्टर का एक तरीके से पैक है। और इसकी जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ, फिर टेस्ट कर लेंगे इसको आउटडोर में। इसकी जो प्राइसिंग है पूरे किट की वो है 4,500, 7 फिल्टर हो गए प्लस होल्डर हो गया। तो अब एक बार इसको आउटडोर में जाके चेक करते हैं। प्राइमरी फ़ोन ही मैं ले जाऊंगा, फिर एक एक फ़िल्टर इस पर लगा के देखेंगे। बाकी फ़िल्टर की शक्ल आपको देखनी है तो मैं कोई एक खोल के दिखा देता हूँ, मेन रिजल्ट मैटर करता है। ये कलर वाले हैं जैसे, तो ये कलर फिल्टर दे रखा है, ग्रेडियंट कलर फिल्टर है इसमें। एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, ये है जैसे ग्रेडियंट कलर, ये नीचे से वाइट है और ऊपर से येलो है। तो इसमें जो होगा आपका स्काई के कलर में येलो टोन आ जाएगी, और नीचे से फुटेज जो मतलब आपका सब्जेक्ट होगा वो येलो नहीं होगा। और ये इस पर लगाने का तरीका स्क्रू इन सिस्टम है जो मुझे लगता है रोटेटेबल भी है, तो इसको आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो। लगाने का तरीका वही स्क्रू है, ये ऑरेंज लिखा है तो ये वार्म थोड़ा कर देगा, ऑरेंज टोन दे देगा। ये लग गया जैसे इसके ऊपर। अब ये आप दिखेगा तो नहीं, वैसे मैं दूसरे कैमरे में फोन पे दिखा दूंगा। इसमें ये हो रहा है कि ऊपर की तरफ मैंने कर दिया, तो ऊपर की तरफ आपका आपका वार्म आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, और नीचे से वाइट। तो इफेक्ट काफ़ी सही है, लैंडस्केप में अच्छा रहता है। अभी तो मैं वर्टिकल मोड में, तो मैंने यहाँ कर दिया, लैंडस्केप होगा तो हम इसको घुमा के इधर ले आएंगे टॉप पे, जिससे आपका स्काई थोड़ा ऑरेंज टोन में चला जाएगा। वो तो एज यूज करते करते पता चल जाएगा किस पोजीशन में क्या इफेक्ट देता है।
और हर फोन का कैमरा भी अलग अलग यूज होता है, तो इस वाले में ऊपर का कैमरा में जब आएगा तब ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। अभी लैंड 0.5 में एक्स कर लिया, तो अब इसका आ रहा है लैंडस्केप वाला कैमरा यूज में, अब आपको दिखेगा पूरा ऑरेंज टोन आ रहा है। तो ऐसे ही चार कलर है अलग अलग, और बाकी एनडी और सीपीएल तो है ही है, और स्टार फिल्टर एक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं जिससे आपको रिजल्ट का पता चल जाए। बाकी ग्लास के फिल्टर हैं, प्लास्टिक के नहीं है, अच्छी क्वालिटी के हैं, इसमें नैनो कोटिंग हो रखी है ऐसा लिखा हुआ है, और मल्टी लेयर वाटर प्रूफ भी, एंटी स्क्रैच भी है जैसे हर कंपनी के होते हैं। कैमरा वाली क्वालिटी के हैं तभी थोड़े महंगे हैं, और ये बाकी फुल अल्मोनियम का है ये सब कुछ मटेरियल, जिससे लंबा चलेगा। अब एक बार इसका चेक करते हैं बाहर जाके। ये है अब आपका ब्लू टोन, जिससे ऊपर का सारा ब्लू कलर हो गया। ये है नॉर्मल फुटेज अभी आपकी विदाउट एनी फिल्टर। अब इसमें एक बार हम एनडी फिल्टर ऐड करेंगे, 5 स्टॉप एनडी फिल्टर ऐड करेंगे। अब कर लिया हमने एनडी फिल्टर को ऐड, और इसमें अब हम 1/60 शटर पे काम कर सकते हैं आराम से। ये हो गया, अंडर 125, 1/ ISO 100 पे भी मुझे 1/60 शटर यूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। मिनिमम ISO पे हूँ मैं, यही बेनिफिट है इसका। और यही अगर मैं एनडी फिल्टर हटा दूं लाइव फुटेज के अंदर, तो आपको दिखेगा कि एनडी फिल्टर से कितना फर्क पड़ रहा है। ये है एक्चुअल सिचुएशन इस टाइम विदाउट एनडी फिल्टर इस सेटिंग्स पे, जब 1/60 शटर रखा है और ISO 100 रखा है। तो 5 स्टॉप एनडी काफ़ी यूजफुल है सिनेमैटिक फुटेज के लिए, जो तो आपको 1/60 शटर पर काम करना है, 1/100 तक भी कर सकते हैं आप इस पर काम। तो इसमें फुटेज में कोई स्मूथ चलेगी, अगर आप बहुत ज़्यादा शटर बढ़ा के कम करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, मोशन ब्लर नहीं आता और स्मूथ सिनेमैटिक लगती। लेकिन इसमें हम कर सकते हैं क्योंकि एनडी लगा हुआ ऑलरेडी 5 स्टॉप, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको कम ऐसे ही बस। इसके बाद CPL है, CPL रिफ्लेक्शंस को काट देता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। CPL पोलराइज लाइट को काटता है, रिफ्लेक्शंस कम करता है। जैसे कार को देखिए अभी, जैसे वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको सनलाइट से, रिफ्लेक्शन आ रही हैं। जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा रिफ्लेक्शन कम हो गई, यही इसका काम है। जहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले उस हिसाब से आप सेट कर दो, और मिनिमम यहाँ पे आ रही है तो मिनिमम रिफ्लेक्शन हो गई। ऐसे ही हटाऊँगा मैं इसको तो फिर वापस वैसी हो जाएगी वाइट। CPL भी काफ़ी यूजफुल है, और ये एनडी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, स्काई के रिफ्लेक्शन को भी कम करता है। लेकिन पानी और शीशे में सबसे ज़्यादा इसमें पता चलता है कि कितनी रिफ्लेक्शन आ रही है और हट रही है। जैसे कि कार का विंडो देख रहे हैं, ये हट गई,